भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो ड्रिंकिंग एज है वो आप क्यों कम कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। लेकिन जब हम अलग अलग राज्यों की ड्रिंकिंग एज देखने जाते हैं तो ये पता चलता है कि भाजपा शासित कई राज्यों में ड्रिंकिंग एज दिल्ली से भी कम है। आप अगर देखिए गोवा और हिमाचल प्रदेश, दोनों राज्य जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे लीगल ड्रिंकिंग एज 21 साल है। तो जब दिल्ली लीगल ड्रिंकिंग एज को 21 साल करती है तो भाजपा वाले क्यों विरोध करते हैं? मैं बताती हूं आपको कि क्यों विरोध करते हैं। वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आज जब दिल्ली में अक्सर रेस्टोरेंट्स में या दुकानों में 21 साल की उम्र से ज्यादा लेकिन 25 साल की उम्र से कम के लोग जब जाते हैं रेस्टोरेंट्स में अल्कोहल के कंजम्पशन के लिए या दुकानों से खरीदने के लिए, तो उन रेस्टोरेंट से और उन दुकानों से हफ्ता लिया जाता है कि भाई हफ्ता दे दो, 21 साल से कम 25 साल से कम उम्र के लोग यहाँ पे शराब खरीदने आ रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन दुकानों के साथ उन रेस्टोरेंट्स के साथ उन क्लब से पूरी हफ्ता वसूली होती है और वो हफ्ता वसूली भाजपा के नेताओं के पास जाती है। तो अगर दिल्ली सरकार लीगल ड्रिंकिंग एज को 21 साल कर देगी और उसके बाद तो 21 साल से उम्र के ज्यादा के लोग जब लीगली किसी भी रेस्टोरेंट से अल्कोहल खरीद सकते हैं, किसी क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, तो उन दुकानों का हैरेसमेंट खत्म, उन क्लब्स का हैरेसमेंट खत्म, उनकी हफ्ता वसूली खत्म और भाजपा की उससे होने वाली इनकम भी खत्म।